नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। कृपया पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। आज का टॉपिक है एस्टिगमेटिज्म। तो आपका बच्चा अगर मान के चलिए कि ऐसे करके देख रहा है या ऐसे करके देख रहा है या ऐसे करके पढ़ रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे हाथ रख के ऐसे करके ये इंगित करके अगर पढ़ रहा है या ऐसे करके पढ़ रहा है ये, ठीक है, या ऐसे करके लिख रहा है, लिख भी गर्दन ऐसी टेढ़ी है उसकी और लिख रहा है आराम से और कॉपी भी टेढ़ी है, तो इस केस में क्या होता है कि सिलेंड्रिकल आ जाता है उसके, क्योंकि वो एक्सिस है एज पर हिज नेक डायरेक्शन वो चेंज हो जाती है, ठीक है। अगर आप उसको जो उसकी आदत है वो अगर हैबिट में आ जाती है ऐसे करके टेढ़ी करके देखने से, तो वो आदत क्या है कि उसकी मेन क्या है वो कमज़ोरी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, हमारी आँखें क्या है कि पहले स्टार्टिंग में तो क्या होता है वो धीरे 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 करके ऐसे आदत अपनी जो है डेवलप करती है, फिर वो आदत हमारी फिक्स हो जाती है, फिर हमको क्या है ना अननोइंगली भी मान के चलिए तो वो हमारी आदत एज इट इज ही बनी रहती है और वो हमारी आँखों को प्रॉब्लम करती है, उसकी मसल्स की डायरेक्शन भी वो वैसे ही कर देती है। अच्छा, आप अगर चश्मा लगा रहे हैं मान के चलिए, तो एक चीज़ है, अगर आप मान के चलिए कि सीधे अगर देखते हैं, ठीक है, तो आपका जो कह सकते हैं कि गर्दन अगर आपकी सीधी है तो आपकी कोई भी सिलेंड्रिकल नंबर नहीं होगा। अगर आपकी हैबिट में अगर मान के चलिए अगर आप ऐसे करके लिखते हैं या पढ़ते हैं तो आपकी डेफिनेटली आपकी आँख में सिलेंड्रिकल नंबर होगा। ये नोटिस करने वाली बात है कि भाई किसी के सिलेंड्रिकल नंबर क्यों, बड़ा टेंशन में आ जाते हैं कुछ लोग, तो ये भी कहते हैं कि नहीं यार हमारा सिलेंड्रिकल मत लगाना, ये सिलेंड्रिकल है क्या है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं अपना। तो उसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर आप पढ़ रहे हैं आप जो है, ठीक है, तो पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना है, अपनी गर्दन सीधी रख के और आपकी जो बुक है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। अच्छा, लिख रहे हैं आप तो लिखने में क्या है कि कॉपी को आप जो है अपने हैंड की डायरेक्शन में कर सकते हैं, ये सिर्फ कोने की डायरेक्शन में आपका जो हैंड आएगा वैसे करके आप कर सकते हैं 90 और इसको आप कर दीजिए 45 डिग्री रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। गर्दन भी आपकी उसी के साथ में ऐसे मूव कर जाती है लिखते हैं जब आप, तो ठीक है, तो आपको क्या करना है अपने नेक को मूव सीधे स्ट्रेट और अब लिखिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपकी जो आंखों की जो एक्सिस है वो ऐसे, एक्चुअली हम लोग ऐसे ऐसे करके ये रहता है लिखने का, तो हमारी आंखों की एक्सिस जो है अब जैसे लिख रहे हैं हम लोग तो ऐसे ऐसे करके ये पोजीशन रहती है आंखों की, तो उस केस में हमें क्या है कि वो एस्टिगमेटिज्म डेवलप हो जाता है, ठीक है। और हमारी जो मेन मसल्स है वो ये वाली यूज होती है, कौन सी वाली, मीडियल लेटरल वाली, अपने किसी को ऐसे ऐसे करके ऊपर से नीचे तक ये वाला सिस्टम रहता है लिखने में, ऊपर लिखा फिर नीचे आ गए, नीचे आ गए, नीचे आ गए, नीचे आ गए, तो ये चीज़ है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी हैबिट को एक बार सुधारिए और गर्दन को सीधे करके अपना जो है आपको लिखना है, ठीक है। आप इवन बुक टेढ़ी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी नेक जो है वो सीधी होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है, जब आप कोई चीज़ रीड कर रहे हैं तो आपकी बुक सीधी हो, गर्दन सीधी हो, ठीक है। ऐसे करेंगे तो आपका अगर एस्टिगमेटिज्म है आपकी आँखों में तो वो क्योर होना शुरू कर देगा, और अगर आपकी आंखों में एस्टिगमेटिज्म नहीं है, ठीक है, तो आप ऑलरेडी, मतलब ऐसा है कि जो बच्चे नेक सीधी करके पढ़ते हैं उनकी आंखों में एस्टिगमेटिज्म होता ही नहीं है, ठीक है। और जो आंखें ऐसी गर्दन टेढ़ी करके पढ़ेंगे तो उनकी आंखों में एस्टिगमेटिज्म अगर नहीं भी है तो आ जाएगा। जो बच्चे सीधा करके गर्दन पढ़ते हैं और वो अगर मान के चलिए टेढ़ा गर्दन करके अगर पढ़ने या लिखने लगे तो उनकी आंखों में एस्टिगमेटिज्म आ जाएगा, और जो बच्चे ऐसे करके पढ़ते हैं अगर वो सीधा करके पढ़ने लगेंगे तो एस्टिगमेटिज्म एटलीस्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बाकी स्फेरिकल, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सब चीज़ें बात की बात हैं। पहले एस्टिगमेटिज्म ख़त्म करते हैं, ठीक है, अपनी हैबिट को सुधारते हैं, गर्दन को अपनी सीधी रखते हैं, ठीक है। और मेरी वीडियो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अच्छी लगी तो कमेंट्स, थैंक यू सो मच। और ये वाली वीडियो जरूर देखिए, ये वाली,